देखिए, ये है वो रहस्यमय कुंड जिसका पानी दूध जैसा है और ये बिल्कुल एक कुएं की तरह है और बहुत चौड़ा है। कम से कम इसकी चौड़ाई 10 से 15 फिट करीब होगी और गहराई इसकी करीब वो भी इतनी ही है, 10 से 15 फिट। और पानी देखिए कितना निर्मल है, कितना स्वच्छ है। इसमें किनारे किनारे ज़रूर कुछ पत्ते जो नीचे थे वो आ गए हैं किनारे, ये थोड़ी सफाई भी मांग रहा है, लेकिन ये चारों तरफ जड़ी बूटियां लगी हुई हैं और इन जड़ी बूटियों का पानी ही रिस के आता है और उसी से ये जो है सफ़ेद हो जाता है। और सामने देखिए ये पहाड़ है, जो अंधेरी गुफा वाला पहाड़ है। देखिए ऊपर झंडा तिरंगा लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसी के पास है ये देखिए। और ये बगल में एक छछूंदर या कुछ मूसक है जो संसर्ग करते हुए दिखता है, तो ये इसी के नीचे है और बाबा नागराज का जो स्थान है हमारा उसके करीब है। रास्ता जब बाबा नागराज हम लोग जाते हैं तो उसके पास है थोड़ा सा हट के, और सिद्ध बाबा से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ देखिए कितने सुंदर खूबसूरत पेड़ लगे हैं और चट्टाने बहुत ही अद्भुत हैं। इधर इनका विन्यास आप देखेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ तमाम गुफाएं भी हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और ये कुंड लगता है प्रकृति ने स्वयं बनाया हुआ है, बहुत ही अद्भुत है ये। इधर जल्दी कोई आ नहीं सकता है क्योंकि प्रकृति में जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो इंसान से अभी दूर रहना चाहती हैं, क्योंकि इंसानी हस्तक्षेप जहाँ हो गया है वो पूरा फिर वो स्वरूप नहीं रह गया है, वो बर्बादी की कगार पर पहुँच गई हैं चीज़ें। तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत जगह है। इसका पानी अब हम जैसे आइए पास चल के थोड़ा सा पानी को हाथ लगाते हैं। ये देखिए पानी कितना निर्मल साफ पानी है, देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर और पूरा जड़ी बूटियों से भरा है। क्योंकि हम लोग जो आरओ का पानी पीते हैं वो पानी तो उसमें मिनरल्स निकल जाते हैं, वो घातक है, बहुत नुकसानदेह है, पर ये पानी जो है ना, ये पानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे तमाम रोग अपने आप दूर हो जाते हैं, लेकिन ये सबकी किस्मत में ये भी नहीं। तो ये देखिए, मैं इसको पी के अभी दिखाऊंगा आपको। आने वाला रास्ता आपको दिखा देते हैं, आइए। इधर से जाना पड़ता है और जड़ी बूटियां हैं, सब उसी से क्रॉस होके चलना पड़ता है। ये देखिए, ये पहुंच गए हम लोग सिद्धकुंड। जय हो सिद्धकुंड की, जय हो गोरखगिरी धाम की, जय हो सिद्ध बाबा की। मैं वापस चल रहा हूँ वहाँ से। देखिए, चट्टानों से कूद फाद के आना पड़ता है तभी हम लोग यहाँ पहुँचते। जय हो। ये देखिए चारों तरफ का खूबसूरत व्यू देख लीजिए, है ना। सुबह ये जो चट्टाने छोटी के ऊपर बड़ी रखी हुई है उसी के पास है ये हमारा। इधर देखिए ये झुरमुट दिख रहा है, यहीं पर है वो सिद्धकुंड।